दोस्तों, लाइफ में खुशियां आ जाती है ना, तो दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखो। पहला, लोग गलती भूल के उन्हें माफ़ करना सीखो। अगर किसी को गलती हो गई तो उस गलती को पकड़ो मत, उसे माफ़ करके उसे भूलना सीखो। दूसरा, लोगों को भूलना सीखो, लोगों को भूल के आगे बढ़ना सीखो। किसी ने अगर आपको हर्ट किया, किसी के साथ रह के आपको तकलीफ हो रही है, तो उसे छोड़ के उसे भूल के आगे बढ़ना सीखो, मूव ऑन करना सीखो। दोस्तों, लाइफ ना एक ही मिली होती है, एक लाइफ मिली है, उसको किसी और के लिए क्यों बर्बाद करना। इतने दुखी भी मत रहो कि कोई आपको देख के दुखी हो जाए, बल्कि इतने खुश रहो कि कोई आपको देख के खुश हो जाए। एक ही लाइफ मिली है, उसको किसी और के लिए, किसी प्रॉब्लम्स के लिए बर्बाद मत करो। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। अगर लोगों को खुश रखोगे तो लोग आपके साथ आएंगे। अगर लोगों को अपना दुखड़ा सुनाते रहोगे तो हमेशा अकेले बने रहोगे। इसलिए लाइफ में दूसरों को भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो, चाहे कि जो आपके साथ हैं वो भी खुश रह सकें और जो आपके साथ नहीं है वो भी आपके साथ आना चाहें। लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके पकड़ो मत। अगर किसी चीज़ को लेके बैठे आओगे, उसने मेरा दिल दुखाया, उसने ये किया और उससे मुझे बदला लेना है, तो यार अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो आप। किसी के बदला लेने के लिए अपनी पूरी लाइफ क्यों बर्बाद करना। दूसरों की गलतियाँ भूलना और लोगों को भूलना, ये दोनों चीज़ें सीखो। और ये दोनों चीज़ें सीख ली ना, तो लाइफ में कसम से बहुत खुशियाँ आएंगी। और जितनी खुशियाँ आएंगी ना, सामने वालों को भी आप उतनी खुशियाँ दे पाओगे। और जितनी खुशियाँ आप सामने वालों को दोगे, रिटर्न में आपको बदले में उतनी खुशी मिलेंगी। तो कहने का पूरा मतलब ये है कि आपको चारों तरफ से खुशियाँ मिलेंगी अगर आप खुशियाँ बांटोगे। और अगर दर्द बांटोगे तो ऑब्वियसली चारों तरफ से आपको तकलीफें और दर्द ही मिलेंगी। तो ऐसी ज़िंदगी चाहते हो जिसमें दर्द हो, या ऐसी ज़िंदगी चाहते हो जिसमें खुशियाँ हो? फैसला आपको अच्छी तरह पता है कि आपको क्या करना है। तो इसलिए लोगों को खुशियाँ दो, चाहे कि आपको ही खुशी मिले। किसी को दर्द मत दो, चाहे कि बदले में आपको दर्द मिले। किसी ने गलती की, भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। किसी से अगर ब्रेकअप हुआ, उसको भूल के लाइफ में आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अलविदा।